सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल अपने नए सीजन के साथ एक बार फिर से वापसी करने वाला है, लेकिन इस बार शो में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल पिछले सीजन की तरह इस बार नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया शो जज करते नहीं नजर आने वाले हैं। यहाँ तक कि इस बार होस्ट आदित्य नारायण भी शो का हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, वैसे आपको बता दें कि इंडियन आइडल 13 में ही आदित्य नारायण चोपड़ा ने ये अनाउंस कर दिया था कि वे आखिरी बार इंडियन आइडल होस्ट कर रहे हैं, यानी वे अगले सीजन में इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं अब खबर आई है कि नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया भी शो में नहीं दिखेंगे और उनकी जगह दूसरे सिंगर्स शो जज करेंगे। इंडियन आइडियल 14 के लिए ऑडिशंस शुरू हो गए हैं और अब इससे जुड़ी जानकारियां भी सामने आने लगी है। सोनी टीवी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसके मुताबिक इस बार नेहा कक्कड़ की जगह श्रेया घोषाल शो को जज करती हुई नजर आने वाली है। वहीं हिमेश रेशमिया को कुमार सानू ने रिप्लेस कर दिया है। हालांकि पहले की तरह विशाल ददलानी शो में दिखाई देंगे। गौर करने वाली बात तो ये है कि श्रेया घोषाल और कुमार सानू पहले भी शो का हिस्सा रह चुके हैं, जहां श्रेया ने 2013 में इंडियन आइडल जूनियर में जज के तौर पर नजर आई थी, तो वहीं कुमार सानू भी कई बार गेस्ट जज बनकर शो में नजर आ चुके हैं। लेकिन आदित्य नारायण की जगह इंडियन आइडल 14 में हुसैन कुवाझरवाला शो को होस्ट करेंगे। जी हाँ, इससे पहले वे इंडियन आइडल का दूसरा सीजन जो है वो होस्ट कर चुके हैं और 2015 में इंडियन आइडल जूनियर होस्ट कर चुके हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो होस्ट नहीं किया है और अब इंडियन आइडल 14 के साथ 8 साल बाद वापसी के लिए तैयार हैं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।